हे गाइज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है हजारीबाग समाहरणालय का, जिसमें हम आपको पूरा दिखाएंगे हजारीबाग न्यूज समाहरणालय। काफ़ी समय से इसका भी इंतज़ार था, तो फाइनल आज आ चुके हैं इस समाहरणालय पास। और अंदर जाके देखते हैं ये पूरा व्यू, जो इतना बड़ा समाहरणालय उसमें क्या कौन कौन, यहाँ लगभग सारे ऑफिसर मौजूद मिलेंगे आपको। और जो ई कल्याण डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ आ चुका है। और ये हमारे भी NH 33 के पास में ही है। अगर आपको आना है यहाँ तो आपका मतलब ये लोकेशन दे दूँगा, आप आ सकते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको जल्दी से इसके अंदर का व्यू। बादल खड़े हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो फिर चलते हैं इसके अंदर, लेट किस बात की। और ये भाई साहब गजब का मतलब एकदम अब ठीक लग रहा है कि अब ठीक बना है। और ये थर्ड फ्लोर तक मतलब इसके डिपार्टमेंट है, और हर एक फ्लोर में तीन डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको देखने। तो चलिए फिर हम आप डिपार्टमेंट को दिखाते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है यहाँ पे। गिरने आने दे मेरे मिस, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सामने आपको लिफ्ट मिल जाएगा, इससे आप ऊपर जा सकते हैं। और ये कोसागर मूर्ति ये सामने, और इधर भी एक लिफ्ट मतलब दो दो लिफ्ट, तो सोच रहे वो हदबंदी। वाह, और अभी हम ऊपर चलेंगे, वो भी लिफ्ट बंद है या लिफ्ट से काम नहीं चालू है, शायद लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है। और ये अभी लिफ्ट तीसरे फ्लोर से नीचे है, तो आज आ जाएगा जल्दी। और अभी हम लिफ्ट के अंदर आपके तीसरे फ्लोर में जाते, तीसरा में नहीं जाना, फर्स्ट फ्लोर से जाना। अरे यार अरे आपको उतारेगा, उसके बाद हम उतारेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे लिफ्ट में, और ये थर्ड फ्लोर से नीचे आता धीरे धीरे, कम बैग नहीं है। नहीं तो पहले फर्स्ट फ्लोर पे रिकॉर्डिंग कुछ और भी है बुआ, खाली मोबाइल इस हाँ इसी के अंदर शायद है वो हमारा क्या बोलते हैं ई कल्याण डिपार्टमेंट। हाँ हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ था वो, कहाँ किधर जा रहे हैं। हमको लग रहा है सब जैसे एक ही जैसा सब है। पुलिस अधीक्षक वाह, वेटिंग रूम। और अब फिलहाल चलते हैं सीढ़ी से सेकेंड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर में भी पुलिस विभाग, वाह गजब, इतना बड़ा बड़ा रूम। इसके ऊपर भी चलेंगे, ये क्या है जन शिकायत कोषांग अर्जन का। तो गाइस यहाँ आके बहुत लेट हो चुका है, उसके बाद भूख भी काफ़ी लग चुका है। तो अभी चलते सामने में एक होटल है, तो कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर सेटिंग करते हैं ब्लॉग को। तो अभी फिलहाल ऑर्डर किए हैं छोला भटूरा, और छोला भटूरा खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सेटिंग करने के लिए। फाइनल लगता है सब डिपार्टमेंट कवर हो ही गया। ठीक है भैया, बहुत सारे कुर्सियाँ आपको भी चाहिए तो आप ले जा सकते हैं। अब आप कैसे ले जाएंगे उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। अरे जिला सांख्यिकी कार्यालय गाए, हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात न पाए चैना, सुन लेना
तुम्हें चाह कर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात और अभी हम चले थे उस पार कोई देख ना ले मतलब यहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखाएंगे तो चलिए दिखाते हैं आपको आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ अब तो आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ इतना जल्दी खराब हो गया वाह सरकारी चीज का तो यही तो है कि बन तो जाएगा खराब होने में देरी नहीं अगला लिफ्ट को देखते का है इसमें जल्दी जल्दी रफ्तार से पकड़ लेगा पुलिस आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत तेरे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना ऐसे कहते हैं टिंग टिंग यात्रीगण कृपया ध्यान दें आपकी ट्रेन बस आने ही वाली है कि हम आपको अभी एक गाड़ी का नंबर दिखाते हैं डीसी साइड का तो है गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे आप बताएं कि आपको मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए किस जगह का ब्लॉग चाहिए आप मुझे कुछ बताएं जिसके कारण मैं फिर वहाँ जाकर ब्लॉग बना सकूं ठीक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है